सरोकार। नमस्कार, मैं हूं गौरव श्रीवास्तव। प्राइम डिबेट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मौसम चुनावी है, पर यहां पर रोआंसी आ रही है, रोना आ रहा है। ये रोना दर्द से नहीं, बल्कि ये रुला रहा है प्याज। प्याज आज नहीं, हम पहले से लगातार देखते चले आए। 1998 की बात करें, 2010 की बात करें, 2013 की बात करें, या 2023 की बात करें, या 2020 की बात करें, या 22 की बात करें, यानी जो प्याज दशकों में कभी दस साल में कभी रुलाता था, वो प्याज यहाँ पर हर साल हम देखते हैं कि उसका रेट बढ़ जाता है, आवक कम हो जाती है, या स्टॉक कर लिया जाता है, या आढ़तियों द्वारा प्याज को रोक लिया जाता है। तमाम प्रश्न यहाँ सामने हैं, पर समाधान कोई नहीं। सहालक शुरू हो चुकी है और त्योहारी मौसम में प्याज और टमाटर की जो रेट हैं वो लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। टमाटर बीच सस्ता हुआ, फिर महंगा हो गया, जबकि टमाटर का मौसम है। प्याज की भी मौसम है। अगर हम बात करें तो सबसे बड़ा राज्य प्याज का उत्पादन करने वाला महाराष्ट्र, वहाँ प्याज की दो फसलें आती हैं। उत्तर प्रदेश की बात करें तो एक फसल आती है, उत्तर प्रदेश में ही प्याज पैदा होता है। पर उसके बावजूद अगर प्याज महंगा हो रहा है तो कारण क्या है, टमाटर महंगा हो रहा है तो कारण क्या है, और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि कुछ सब्जियां तो ऐसी हैं जो उतरने का नाम नहीं ले रही हैं, और सब्जियों में नाम आता है अदरक का भी। आज की डिबेट कोई पॉलिटिकल नहीं है, पर पॉलिटिकल रंग जरूर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माहौल चुनावी है, मैंने आपको पहले बताया। पर रुआंसी जो आ रही है वो सब्जियों के कारण आ रही है। सरकार बोलती है कि हम जगह जगह प्याज बेच रहे हैं 25 रुपये किलो, टमाटर ही बेचा गया, पर यह क्या ये समाधान है? नहीं, ये समाधान नहीं है। ये केवल विकल्प है कि अगर कुछ समय ऐसा होता है तो आप जनता के लिए ऐसी व्यवस्थाएं करा सकते। हमने एक दौर देखा है अपने समय में, जब कोरोना का समय था तो सरकार द्वारा, जिला प्रशासन द्वारा, जिलाधिकारियों द्वारा तमाम चीजों के दाम निश्चित किए गए थे। ऐसा नहीं है कि उस समय दाम निश्चित करने पर व्यापारियों को नुकसान हुआ था, नुकसान नहीं किया गया था, पर हाँ दाम निश्चित किए गए थे, क्योंकि उस समय मुनाफाखोरी आपदा में लोगों ने अवसर तो ढूंढा था, वो अवसर था लोगों की जेब को खाली करने का। उस समय नींबू, संतरे जैसे तमाम और जूस, संतरे के बने जूस के दाम लगातार बढ़ रहे थे, और जब वहाँ पर उस समय सब्जियों की महंगाई और तमाम खाने वाली वस्तुओं की महंगाई बढ़ी, तो सरकार ने ऐतिहासिक कदम उठाए, उस कदम की सराहना भी की गई। सभी जगहों पर रेट लिस्ट लगा दी गई कि आपको इससे ज़्यादा रेट नहीं बेचना है, और जनता जो कि कोरोना की महामारी से पहले ही परेशान थी, अपनों के खोने का गम उसमें पहले ही भरा हुआ था, पर यहां पर सरकार ने एक सहूलियत दे रखी थी कि रेट लिस्ट लगी हुई थी और जिला प्रशासन द्वारा उन रेट लिस्टों को बाकायदा समीक्षा की जा रही थी कि ऐसा तो नहीं कोई मुनाफाखोरी कर रहा हो। क्योंकि उस दौरान हमने देखा है कि नींबू, संतरा को लेकर और कीवी को लेकर किस तरह से लोग कालाबाजारी कर रहे थे। खैर, कालाबाजारी उस समय तमाम चीजों की हुई, हमने देखी है, और कालाबाजारी के दौरान हमने देखा दवाइयों की कालाबाजारी भी हुई, सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और इसकी सराहना भी हुई। पर जब इस तरह की स्थितियां आती हैं, जब जनता परेशान होती है, क्योंकि जनता वही है जिसको आप चुनाव में वोट मांगने जा रहे हैं, ये वही जनता है जो मध्य प्रदेश में भी है, राजस्थान में भी, छत्तीसगढ़ में भी, तेलंगाना में भी है, और मिजोरम में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और दिल्ली में भी है, सभी जगह है। जनता तो जनता जनार्दन है, वोट मांगने इन्हीं के पास जा रहे हैं। अगर जनता जनार्दन महंगाई से पीड़ित रहेगी तो दर्द झलकेगा, और हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी है कि जनता के दर्द को समय समय पर दिखाते रहें। केवल यहां पर मामला पॉलिटिकल नहीं, बल्कि मामला संवेदनशील है। यहां पर लगातार बढ़ते अदरक के दाम, कि जिस तरह से दाम बढ़ रहे हैं, 200 रुपए से नीचे अदरक नहीं आ रहा है, जबकि अदरक की आवक हो चुकी है सर्दियों की समय, पर जो दाम अदरक के हैं ये आज के नहीं है, ये पिछले 8-9 महीने से अदरक के दाम एक स्तर बने हुए हैं। ऐसा भी नहीं है कि अदरक पैदा नहीं होता, अदरक पैदा होता है और लोग अदरक का उपयोग करते हैं। गर्मियों में उपयोग कम होता, सर्दियों में ज़्यादा होता है, पर गर्मियों सर्दियों में यहाँ पर दाम फिलहाल स्थिर बने हुए हैं, 200 रुपये किलो। कारण क्या है ये कोई नहीं जानता,
कहा जाता है कि आवक नहीं है, आवक का ढिंढोरा हर जगह पीटा जाता है, स्टॉक चेक होता नहीं है और स्टॉक चेक करने की जहमत उठाए कैसे, क्योंकि सरकार चुनाव में बिजी है और अधिकारी व्यवस्थाओं में बिजी है, जनता यहां पर परेशान है। क्योंकि जब जनता परेशान होती है तो हम जैसे खबर नवीसों की जिम्मेदारी है कि उस व्यवस्था को देखें। यहां मेरा केवल कटाक्ष सरकार पर नहीं बल्कि विपक्ष पर भी है, वो विपक्ष जो कभी हमने देखा है कि जब कांग्रेस सरकार थी तो भाजपा की तरफ से प्याज की माला पहनकर सिलेंडर लेकर उतरने वाले लोग भी थे, पर फिलहाल वो विपक्ष हमको कहीं नजर नहीं आ रहा। शायद सरकार के साथ विपक्ष भी चुनाव में बिजी है, जनता का वोट चाहते हैं पर जनता का दर्द बांटना नहीं चाहते हैं, जनता से सरकार बनाना चाहते हैं पर जनता के लिए सहूलियत देना नहीं चाहते हैं। अगर सरकार ऐतिहासिक कदम उठाती है, जब जगह जगह प्याज 25 रुपये किलो बिकवा कर समस्या हल कर सकती है तो कुछ बड़े कदम भी उठाए जा सकते हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इसी प्याज के कीमतों के चलते दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार गिर गई थी, सबको पता है। जिस प्याज के मुद्दे पर सरकार आई थी उसी प्याज के मुद्दों पर सरकार चली गई थी, और ये बात सबको पता भी है। अगर इस बात को महज हल्का लिया जाएगा तो नुकसान बड़ा हो सकता है, क्योंकि अगर थाली से प्याज टमाटर अदरक जैसी तमाम चीज़ें गायब होंगी तो यहाँ हरजाना भुगतना ही पड़ेगा। जनता जनार्दन है, फैसला भी देती है। फिलहाल इस बढ़ती महंगाई पर प्राइम टीवी की टीम ने कुछ खास पड़ताल की, देखते छोटी सी रिपोर्ट। इसलिए पहुंचा देंगे, मस्जिद मंदिर पहुंचा देंगे। क्या कारण लग रहा है कि प्याज इतना महंगा हो गया, अदरक इतना महंगा हो गया, जबकि सीजन में सस्ता होना चाहिए? जब सब होलसेलर वाले हैं, सबना कैद करके रख लिए हैं अपने गोदामों में, तो जो बाहर निकालेंगे नहीं, जब इसी सीजन महंगा कर देंगे वो। भाई महाराष्ट्र में तो 2 बार प्याज का पैदावार होता है, उत्तर प्रदेश में 1 बार होता है, तो आता तो बाहर से प्याज है जबकि खपत उत्तर प्रदेश में ज़्यादा है, तो अब तक नहीं पहुंच पा रहा, तो क्या रुपये किलो आप लोगों को खरीदना पड़ रहा है प्याज इस समय? इस समय जो है 80-70 रुपये किलो दे रहे हैं। स्टॉक करो फिर महंगा करके बेचो, सबसे बड़ा कारण यही है स्टॉक, बस कुछ नहीं है। तो ये तो सीजन है, प्याज का सस्ता होना चाहिए, इस समय ठंडक में प्याज सस्ती रहती है, अदरक 25 रुपये किलो दे रही, खरीदी जाती भैया 60 रुपये किलो है, क्या बताएं, जीना दुश्वार है। तो ऐसे में अभी अदरक का भी भाव बढ़ा हुआ है, इस समय प्याज का सीजन है, फिर कैसे चल रहा है? तो क्या क्या जब भैया, खाना तो पड़ेगा ही। हाँ, सरकार भी तो लगा रही है, 25 रुपये किलो बिक रहा है, सरकार वाले बेच रहे हैं, यहाँ तो 60 रुपये किलो बता रहे हैं। क्या कारण लग रहा है फिर इतनी महंगाई क्यों है सीजन में प्याज का? पता नहीं कहा है, कम नहीं पैदावार भी आ रही है इसलिए कीमत बढ़ी हुई। तो अभी क्या भाव मिल रहा है? अभी 50 रुपये मंडी आ रही है, 50, 52, 54। तो आपको अपने फर तक लाने में कितना रुपया खर्चा आ जा रहा है प्रति किलो? हमारे खर्चा आ जाता 2 रुपये किलो खर्चा आता है, 60 रुपये किलो हम लोग बेचते हैं। तो बिक्री में क्या असर पड़ा है? या बिक्री में बहुत असर पड़ा है, एक बोरी 2 दिन में बिकती है, और ऐसे एक बोरी लाते थे 1 दिन में खत्म हो जाती थी, 2 बोरी बिक जाती। अदरक का भी भाव बढ़ा, जबकि अदरक पहले सस्ता हुआ करता था, अब इतना महंगा 200 रुपये किलो तक अदरक है। अदरक जो है कम से कम आना चाहिए इसको 70-80 रुपये किलो था, महंगा बेच रहे हैं। प्याज क्या भाव मिल रहा है? 52-53 रुपये, 52 रुपये मिल रहा है। कहाँ से आता है प्याज? बाहर से आता है, ये हम लोग मंडी से उठाते हैं। 52 रुपये में जो हमको मिलेगा, तो यहाँ क्या भाव बेच रहे हो? 60 रुपये। देखा कि पब्लिक की प्रतिक्रिया क्या है, दुकानदारों की प्रतिक्रिया क्या है। वो कह रहे हैं जैसे रेट हमको मिलता है उसमें हम अपना जो है लागत लगाकर उसको जोड़कर प्याज को बेच रहे हैं, पर महंगाई ऊपर से ही आ रही है। बहुत समय पहले एक फिल्म आई थी पिपरी लाइव, उसका एक गाना था बड़ा मशहूर हुआ था कि सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाए जात है। और फिलहाल ये जो गाने के बोल हैं ये वर्तमान में सही साबित होते हैं कि कमाई कितना भी कर लीजिए अगर महंगाई इस तरह चरम पर रहेगी तो खाने की थाली से तमाम चीज़ें गायब ही रहेंगी। सरकार अपने प्रयास करती, सरकार का अपना व्यवस्था तंत्र है, सरकार की अपनी समीक्षाएं हैं, पर न जाने क्यों उसके बावजूद भी अगर नुरंकुशता चल रही है तो उसके पीछे जिम्मेदार कौन है? मंडी समिति बनी हुई है, मंडी परिषद बनी हुई है, अधिकारी हैं, तनख्वाहें मिल रही है, विभाग हैं, पर उसके बावजूद अगर निगरानी नहीं हो रही तो जिम्मेदार कौन है? किसान का कहना होता है कि हम तो कम पे बेचते हैं पर मजबूरी यह है, स्टॉक हो जाता है तो फिर चीज़ें ऊपर ऐसे ही जाएंगी जैसा वर्तमान में जा रही हैं। अदरक के पिछले 8-9 महीने से स्थिर दाम बताते हैं कि यहाँ पर मामला सामान्य नहीं बल्कि संगीन है, और जब संगीन मामला होता है तो चर्चा करना यहाँ जरूरी है।
महत्वपूर्ण मुद्दा है और हमारे साथ जुड़ने के लिए मेहमान जुड़ चुके हैं। आपको रूबरू करूं, भारतीय जनता पार्टी से शमशी यादव अपना पक्ष रखेंगे, प्रवक्ता समाज से नितिन सिंह यादव अपनी बात रखेंगे, प्रवक्ता कांग्रेस से डॉक्टर सुधा मिश्रा अपनी राय देंगे, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी सैयद मोहम्मद तकी अपनी राय देंगे, समाजसेवी ग्रुप में हमारे साथ भाई विवेक शर्मा जी जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार ग्रुप में जनाब आमिर साबरी भाई अपनी महत्वपूर्ण समीक्षा करेंगे। आप सभी का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो मेरा पहला सवाल रहेगा, वो रहेगा विवेक शर्मा से। विवेक भाई स्वागत है प्राइम टीवी में, महत्वपूर्ण चर्चा विषय, मामला पॉलिटिकल नहीं है, उसे पहले बोल दिया, मामला यहाँ पर जनता का है, वो जनता जो वोट देती है वो जनता है, वो सरकार बनाती है और वही जनता सरकार गिराती है, मैं याद दिला रहा हूँ सबको, इसे सब सचेत रहें, ठीक है। वे भाई यहाँ पर जो दाम है, कहा जा रहा है कि पहले हम देखते थे, आप भी देखते आ रहे हैं, पहले कभी कभार ऐसा होता दशकों में दाम बढ़ते थे, मुझे 1998 का दौर भी याद है, 2010 का दौर भी याद है, 13 का दौर भी याद है और यहाँ पर 22 और 23 का दौर भी जा रहा है, लगातार दाम बढ़ते हैं और खासतौर पर त्योहारी मौसम में। क्या त्योहारी मौसम में जानबूझ के दाम बढ़ते हैं, या निगरानी नहीं होती, या आवक कम हो जाती है, या सिस्टम निगरानी नहीं कर पा रहा है, या सरकार तैयार है जगह जगह ठेला लगवाकर व्यवस्थाएं बनाकर 25 रुपए किलो टमाटर और 25 रुपए किलो प्याज बेचने के लिए विकल्प बना रही, समाधान कुछ नहीं है। जवाब आपको देना, स्थिति क्या है और इस मुद्दे पर चर्चा करना बहुत आवश्यक है। विवेक शर्मा। गौरव जी, पहले तो सबको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं, बहुत अच्छा आपने मुद्दा रखा है जी। अभी आपने अपने संबोधन में बोला था जी कि जो अधिकारी हैं जी वो निगरानी नहीं कर रहे हैं, कर रहे हैं वो निगरानी, अच्छा। वो बिचौलियों के माध्यम से निगरानी कर रहे हैं लीजिए, आपको पता है उनके प्राइवेट बिचौलिए वहां पर लगे हुए हैं, अच्छा। अधिकारी और बिचौलिए और ये आपके आरती सब मिली भगत होकर काम चल रहा है सर, अच्छा। ये जमाखोरी का नतीजा है जी, ये जो पहले से जमाखोरी करके रखी गई है, प्रताड़ना देखिए, आम जनता को प्रताड़ित किया जा रहा है, और जो आप ये देख रहे हैं कि जगह जगह हर जगह पर स्टॉल लग रहे हैं जी, प्रचार प्रसार हो रहा है सर, 2024 की तैयारी चल रही है, अच्छा तैयारी चल रही है, इसी बहाने कम से कम देखने को मिल रहा है कि सरकार कुछ ना कुछ कर रही जनता के लिए, अच्छा। परेशान जनता के लिए, अच्छा। क्योंकि इस समय पर ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, आम जनता प्रताड़ित है, लगातार इसके दाम बढ़ते चले जा रहे हैं, ये सब मंडी समिति की जो निष्क्रियता है ये उसका नतीजा है जी, ये अफसर निकलते नहीं है जी, अपने एसी कमरे से बाहर नहीं आते, बिल्कुल लोग परेशान हो रहे हैं, बार बार प्रताड़ित हो रहे हैं। आपने अभी केवल एक एसी सब्जी का ही दाम बताया है, आप दालें देख लीजिए जी, बाजार में तेल देख लीजिए जी, डीजल और पेट्रोल के दाम बिल्कुल हवा हवाई बना रखे हैं, स्थिर हो गए, चुनाव के चलते स्थिर हो गए, वो हिल ही नहीं रहे, स्थिर हो गए हैं, लेकिन आप बताइए जिस समय पर आप कहीं पर जमाखोरी कराएंगे और जब उसकी जरूरत महसूस होगी और आड़ती अपना सिंडिकेट बनाने के बाद काम करेंगे तो क्या यहाँ पर क्या सस्ती मिलने की संभावना है? यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि आवक नहीं है, आवक तो हमेशा त्योहार पे समय रहती है जी, बिल्कुल है, आवक है, लेकिन आपको बता तो रहा हूँ ये सिंडिकेट है इनका, अच्छा, महाराष्ट्र का सिंडिकेट, उत्तर प्रदेश का सिंडिकेट, क्या बात है, इस सिंडिकेट को तोड़ने की बहुत जरूरत है, कौन तोड़ेगा? नहीं तो अभी जो ये आप दाम देख रहे हैं, अभी टमाटर पर रोए थे, प्याज पर रो रहे हैं, आगे आने वाले समय में अदरक पर रो रहे हैं, अदरक तो 8-9 महीने से रोला रहा है भाई, अदरक तो 8-9 महीने से रोला रहा है, स्थिर हो गया है, लेकिन मंडी परिषद कहाँ चली गई, मंडी समिति कहाँ चली गई जी, ये क्यों नहीं देख रहे हैं, चलिए अधिकारी क्यों नहीं निकल रहे बाजार में देखने के लिए जी, कि लोग कैसे प्रताड़ित हो रहे हैं, कैसे परेशान हो रहे हैं विवेक भाई, और आपको विपक्ष की बता दूं, हमारे सारे विपक्षी पार्टी वाले सब लोग ट्विटर पर बहुत व्यस्त हैं, और सभी इस तरीके से ट्विटर पर धरना प्रदर्शन चालू है जी, लेकिन सड़कों पर कहीं दिखाई नहीं दे रहे जी, आम जनता को केवल चुनाव के समय पर ही दिखाई देंगे जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि जिस समय पर विपक्ष में भाजपा थी तो कम से कम गले में माला तो देखी थी सब्जियों की, यहाँ तो कोई नहीं दिखाई दे रहा जी, और लेकिन जिन्होंने सब्जी की माला अपने गले में डाली थी वो आज आकर नहीं देख रहे महंगाई कहाँ चरम पर पहुंच गई है और उसको नीचे किया जाए, वो सत्ता में इस समय, वो क्यों वो भी गायब हो गए, वो सत्ता में मंत्रालय लेने के बाद में उनको आम जनता से कोई मतलब नहीं रह गया, अब 2024 का इंतजार हो रहा है। विवेक मैंने एक बात एक मिनट समय लूंगा कि आपने भी देखा होगा कोरोना के समय में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे और जब महंगाई हो रही थी वहां दाम स्थिर कर दिए गए थे,
तो क्या आप कुछ ऐसे कुछ ऐतिहासिक कदम नहीं उठा जा सकते हैं? सर ये बहुत जरूरी है, ये करना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। ये हमारे देखिए आम जनता तो केवल आपसे गुहार लगा सकती है, लेकिन काम करने वाली हमारी सरकार है, ये सरकार को सोचना चाहिए। ठीक है, आपने ये मुद्दा दिया है, ये सोचना चाहिए, और ये बल्कि पहले सोच लेना चाहिए था। दीपावली की मिठाई बंटवाने से पूर्व ही अगर ये कहीं महंगाई पर ये सोच लिए होते कि ये जो इतनी आवक हो रही है, ये इतनी आवक आ रही है और आप बता रहे हैं आवक नहीं हो रही, कैसे नहीं हो रही, ये इस सिंडिकेट को तोड़िए। ठीक है, जो महाराष्ट्र में और उत्तर प्रदेश में सिंडिकेट बैठा हुआ है सब्जी समितियों का, ठीक है, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रवक्ता भाजपा समझिए। हाँ, मेरी आवाज गौरव जी से बोल दीजिए कि मेरी आवाज उनकी आवाज मुझे नहीं आ रही है। जी जी, मैं बोल लेता हूँ अभी, विवेक शर्मा जी की आवाज को सुनाई दे, नहीं पहुंच पा रही है। ठीक है, मैं यहाँ पर प्रवक्ता कांग्रेस को लूंगा, क्योंकि यहाँ पर प्रवक्ता भाजपा आखिरी में बोले, जवाब इन्हीं को देना है। सुरा मिश्रा, आपको मेरी आवाज आ रही है? डॉक्टर सुरा मिश्रा कांग्रेस सर, उनको मेरी आवाज नहीं, आवाज पहुंचाई जाए। मैं प्रवक्ता सपा को लेता हूँ। नितिन भाई, प्याज खा रहे हैं कि नहीं खा रहे हैं? क्योंकि आप बोले थे कि हम लोगों की स्थिति तो प्याज से दो, प्याज से बदतर है। अच्छा, तो रोड पे आ जाइए, आंखें खोल लीजिए। नहीं, हम लोग बराबर रोड पर हैं जी, नहीं बराबर रोड पे भाई। देखिए यहाँ इसके पीछे के कारण पर जाना पड़ेगा जी, जाइए, स्थितियां समझनी होगी कि इसके पीछे लॉजिक क्या है जी, और सरकार की मंशा क्या है। अच्छा, मंशा क्या, क्या बात है? अगर सरकार की मंशा होती जी तो महंगाई नियंत्रण होती लीजिए, बहुत बढ़िया, क्योंकि सारी चीजें सरकार के नियंत्रण में होती है जी। ठीक, लेकिन जब किसान के खेत में फसल होती है और जैसे वो बाजार में आती तो वो कौड़ियों के दाम बिकती है, इसी के लिए लोग परेशान है कि एक MSP लागू कर दी जाए कि कम से कम मिनिमम रेट मिल जाए उनकी उपज का जी। बिल्कुल, लेकिन वो नहीं हुआ। और जैसे किसान के खेत से फसल बाजार से व्यापारियों के हाथ पे आ जाती है, उनके पास चुकी स्टॉक करने के संसाधन है। अच्छा, किसान अपनी फसल अपने घर पे नहीं रख सकता है, उसके पास स्टॉक करने की जगह भी नहीं है, और चूंकि वो टोटल डिपेंड होता है अपनी फसल पर जी, तो जब उसके पास फसल आती है तो उसी फसल को बेच करके ही उसे अपने घर की रोटी भी चलानी, उसे दीपावली मनाना, उसे बेटी के कपड़े भी सिलाने, बेटे के कपड़े भी सिलाने, स्कूल की फीस भी भरनी है, बच्चे के जूते चप्पल भी खरीदने, पत्नी की साड़ी भी उसको उसी फसल से खरीदनी है जी। तो वो फसल को घर में नहीं रख सकता है, लेकिन जैसे ही वो फसल कम दामों में खरीद करके जी, ये बड़े बड़े उद्योगपतियों के गोडाउनों में चली जाती है, क्योंकि गोडाउन सबको पता कितने बड़े बड़े बनवाए गए, मुझे पता है जी। इसके बाद फिर वो मोनोपोली हो जाती है चंद पूंजीपतियों की। क्या बात है, वो घर से फिर वो वहां एक लिमिटेड स्टॉक निकाला जाता है, और दुनिया का एक फार्मूला है कि अगर डिमांड ज्यादा होगी, प्रोडक्ट कम होगा तो महंगाई बढ़ेगी। अच्छा, ये कृत्रिम महंगाई बढ़ाई जाती है कि माल की मार्केट में शॉर्टेज दिखाई जाती है, क्योंकि माल उनके गोदामों में चला जाता है। अच्छा, और लिमिटेड माल, जब लिमिटेड प्रोडक्ट सब्जियां बाहर निकाली जाएंगी, डिमांड ज्यादा होगी तो स्वाभाविक है महंगाई बढ़ेगी। ये एक सीधा फार्मूला है, तो जिस दिन सरकार की मंशा हो जाएगी, अच्छा, उसी दिन ये पूंजीपतियों के गोदाम से माल बाहर आ जाएगा और आम जनता को उचित मूल्य पर सारी चीजें मिलने लगेंगी। ठीक है, बाकी बातें सब बेईमानी है। अभी आपके रिपोर्टर्स ने ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखाई जी, आप एक भी सरकारी दुकान दिखाई पड़ी क्या? बड़ी बड़ी बातें हो रही कि 25 रुपए में बेचेंगे, ये बेचेंगे। अरे भाई, आपको कौन सी दुकान लगा? अरे आप सीधे सीधे गोडाउनों के ताले खुलवाइए, किसी गोडाउन में छापा मारने की खबर आई क्या? नहीं आई है। तो जब आप गोडाउनों में माल बंदा निकाल के मार्केट पर रखिए, लिमिटेशन बनाइए ना, किससे ज्यादा आप स्टॉक नहीं कर सकते। देखिए कैसे महंगाई कंट्रोल में नहीं आती। लेकिन ये वो लोग, अच्छा, जो जमाखोरों को बढ़ावा देने वाले, अच्छा, सरकार के लोग शामिल है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल, कमीशन बाजी सरकार, अभी हमारे कह रहे थे बिल्कुल 100%। एक दौर में समाजवादियों को तो हमेशा नारा था कि दाम बांधो काम दो, तो दाम बांधने की नीति सरकार की कहां है? ठीक है, अगर सरकार चाहे तो दाम बांधे जा सकते हैं, दाम नियंत्रित किए जा सकते हैं। ठीक है, तो आज एक तरफ तो बेरोजगारी का दौर है जी, महंगाई चरम पर है, और उसमें भी जो सबसे बेसिक आवश्यकता है वो प्याज टमाटर अदरक धनिया मिर्चा, ये बेसिक चीजें ये बजट से बाहर जा रहे, और इनके जो
मंत्री हैं वो कह देते मैं तो लहसुन प्याज खाती नहीं, इसलिए रेट से कोई मतलब नहीं है। आपने सुना होगा वित्त मंत्री जी को जी। कि वो तो चूंकि काजू की ग्रेवरी बनवाती है तो उनके लिए प्याज टमाटर की ग्रेवरी का कोई मतलब नहीं रह जाता। इसलिए विवेक जी हम लोग तो सड़कों पर भी है। चलिए ठीक है, अभी हमने दो दिन पहले धरना दिया इसको लेकर के। चलिए थोड़ी प्याज मैच के बड़ा थोड़ा संघर्ष कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, बड़ा कर लीजिए, जब तक नहीं खुल जाए नहीं हम करेंगे लगातार कर रहे हैं। मैं वेट करूंगा ठीक है। सर ममता की हमारी पार्टी भाई आप लोग भी संघर्ष करते रहते, पर क्या बात है महंगाई पे चुप बैठे इस समय? कमांड ऊपर से आया क्या नहीं बोलना है? देखिए महंगाई लगातार, क्योंकि संजय सिंह के मुद्दे पर और संघर्ष किया, जेल भी भर दिया, यहाँ पे मैं तमाम संघर्ष देखे आपके, अब जनता के लिए संघर्ष कर लीजिए थोड़ा सा, रेट लगातार बढ़ रहे हैं। देखिए गौरव भाई, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया। अच्छा, खुददार मेरे शहर का फाकों से मर गया, राशन जो आ रहा था अफसर के घर गया। अच्छा, अफसर के घर गया। बढ़ती रही चढ़ती रही मजार पे चादरें बेशुमार, बाहर जो फकीर था सर्दी से मर गया, विपक्ष सो गया। और चेहरा बता रहा था विपक्ष सो गया, यही बोलिए, चेहरा बता रहा था कि मरा है भूख से, हाकिम कह रहे थे कुछ खा के मर गया। चलिए ठीक है, भारत ये भी जोड़ लीजिए विपक्ष सो गया, विपक्ष तो लगातार जाग रहा है, जगा रहा है, विपक्ष जेल में संघर्ष कर रहा है। विपक्ष के पीछे ईडी से, अरे बाकी जो बाकी लोग पे आ जाए, आपने कहा कि विपक्ष संघर्ष नहीं कर रहा है, पहले बीजेपी संघर्ष करती थी, प्याज की माला सरेंडर लेके बैठ जाती थी, आज की डेट में आप प्रदर्शन करिए, संघर्ष करिए, माला लेके बैठिए, अब बीजेपी एनएसए लगा देगी। अरे तो क्या पूछ के संघर्ष होता है क्या? पूछ के संघर्ष होता है क्या कभी? कौन ने फटकारा बीजेपी के ऊपर? नितिन भाई पूछ के संघर्ष होता है क्या? मामूली से बातों के ऊपर सरकार के खिलाफ बोलने पर समझ में नहीं आता है पूछ के संघर्ष होता है क्या? आप देखिए क्या किया बोलने वालों के साथ, क्या हो रहा है जो बोल रहे हैं। संजय सिंह हमारे माननीय सांसद जी जो सबसे मुखर होकर बोलते थे, उनको जेल भेजने की बीजेपी ने पूरी तैयारी मनीष सिसोदिया जिन्होंने एजुकेशन पे काम किया बात करी, उनको जेल में दिया। तो बीजेपी आज में जो बोल रहा है वो जेल में, और जो जो भ्रष्टाचार कर रहा है वो बीजेपी में मंत्री पद लिए बैठा है और प्रधानमंत्री बना बैठा है, मुख्यमंत्री बना बैठा हुआ है, तो बीजेपी में तो ये हो रहा है। अगर आज कोई बोल रहा है मुखर होके और जो शोर मचा रहा है वो विपक्ष बोल रहा है, विपक्ष लगातार हर जगह संघर्ष कर रहा है, सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, मीडिया चैनलों में बोल रहा है, ट्विटर बोल रहा है, सोशल मीडिया बोल रहा है, सब जगह बोल रहा है, और लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। हालत ये हो गई है गौरव जी की, लोगों के पास तेल नहीं है खाने के लिए। अच्छा। लोग तेल पानी उबाल के सब्जी खा रहे हैं। अच्छा। हमारे योगी नाथ जी ने करोड़ों रुपए खर्चा कर दिए चिराग रोशन करने के लिए अयोध्या में, अब चिरागों पर जाइए, सुबह फोटो आई कि गरीब लोग उसी चिराग, मैंने आपसे पूछ लिया कहां पर है तो आप चिरागों में चले गए। अरे लोगों का खाने को तेल नहीं है भाई साहब, या हजारों करोड़ रुपए खर्चा कर दिए चिराग जलाने में, लोगों को पेंशन देने के लिए पैसे नहीं है, लोगों को भत्ते देने के लिए पैसे नहीं है, लोगों को तनख्वाह देने के लिए पैसे नहीं है, विभाग में सैलरी देर से आ रही है। अच्छा। और बीजेपी खर्चा कर रही है शहरों के नाम बदलने पे। चलिए क्या इससे पहले धर्म नहीं था? इससे पहले धर्म नहीं था? धर्म तो सनातन काल से लगातार है, सब धर्म को सब दिक्कत है क्या? आपको दीपोत्सव से दिक्कत है क्या? नहीं हमें हमें दीप, हाँ दीप सबके घर में देसी घी के जले। अच्छा। तो मैं बहुत खुश होऊंगा, भगवान राम का अनुयायी, भगवान राम के मानने वाले आम आदमी पार्टी के लोग हैं। अच्छा। तो आम आदमी की बात करते हैं। चलिए भगवान राम ने भी रामायण जो लिखा तुलसीदास जी ने, उन्होंने भगवान राम को गरीब नवाज लिखा है। अच्छा। कि गरीबों को देने वाले थे भगवान राम। अच्छा। इसलिए भगवान राम थे। बीजेपी गरीबों को चूस रही है, चूस रही पैसा लेके अदानी अंबानी को दे रहा है। आज की डेट में कौन सब्जी महंगी है आप बताइए, कौन सी सब्जी के रेट ज्यादा नहीं बढ़े हुए? क्या जनता पकाए? चले ठीक, जनता क्या पकाए बताइए? जनता जो देख रही है आप राशन की दुकान, हो गया तकी भाई, हो गया एक मिनट, दो मिनट दिए मुझे, राशन की दुकानों पे मैं चलिए, अरे वो हम बता चुका हूँ, दो मिनट, आज की डेट में लोग दिन दिहाड़ी के हिसाब से सौदा ले रहे हैं, चले दो दिन के हिसाब से सौदा ले रहे हैं, लोगों की हैसियत नहीं रही चले, हो गया। कि वो एक हफ्ते का सौदा ले पाए दिहाड़ी के हिसाब से, हो गया, हो गया। और लाखों करोड़ रुपए लोन ले रहे हैं, उनके पास त्योहार बनाने के पैसे नहीं है। बीजेपी ने लोगों को उधार लेने मजबूर कर दिया, चले ठीक है, लाखों करोड़ के खर्चों में लोग डूबे उधार लेके त्योहार बना रहे, इतनी शर्म की बात है कि त्योहार बनाने के लोग अपना पैसा। मेरा मेरा सवाल सुनिए, आपने बहुत अच्छी बातें कही, तमाम आपने कटाच किए दीपोत्सव लेके तमाम चीजों, विपक्ष सरकार को देख रहा है और सरकार विपक्ष को देख रही है, जनता दोनों को देख रही है, ठीक है, मौसम चुनावी है पर जनता परेशान है, जिम्मेदारी सरकार की है तो जिम्मेदारी विपक्ष की भी है, अगर सरकार की नींद नहीं खोल रही तो नींद खोले, हम खबर नबीस अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो जिम्मेदारी यहां पर आपको भी निभानी पड़ेगी। जो संघर्ष आपका आपके सांसद संजय सिंह के लिए देखने को मिला, शायद उस संघर्ष का
आधा भी अगर रोड पे कर देंगे तो हो सकता है चीजें बदल जाए। ठीक है, मटर तो सुना मिश्रा की बात बोलिए, कुछ बोला जा रहा है क्या? देखिए आम आदमी पार्टी निकली हुई पार्टी है, उसने जनता के लिए समर्पित करिए, और आम आदमी पार्टी के हर हर कार्यकर्ता का खून का खतरा देश के लिए समर्पित है, और देश के मुद्दे थोड़ा महंगाई के लिए आ जाइए, हम लगातार लड़ते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे, और बीजेपी जो कुंभगढ़ की नींद सो रही है उसको हम जगाते रहेंगे, उसकी नींद हराम करते रहेंगे, भले हमको एक कार्यकर्ता को जेल में भेज दे। अभी तो आप बोल रहे हैं कि एनएसए लगा देते हैं, रोड पर उतरते हैं, सुप्रीम कोर्ट में तो आप डरेंगे नहीं, आप मुंबई की तरह इनसे लगा लगा दिया, अगर डरेंगे तो नहीं आप, हम कहां डर रहे हैं, हम तो लड़ रहे लगातार। चलो ठीक है, चलो ठीक है, हम तो दहाड़ रहे हैं चैनल को, कहां डर रहे हैं, चैनल पे मत डाड़ी, चैनल पे मत डाड़ी, यहां पे बैठा हूं, शोर मचा रहे हैं, यहां पे डाड़ने पर्याप्त हूं, जनता को जगा रहे हैं, ममता की यहां डाड़ने के लिए पर्याप्त हूं, मेरे मुद्दा उठाया मैं डाड़ रहा हूं, और ये मेरा ही मुद्दा है कि यहां पर मैं जनता की बात कर रहा हूं। चलिए ठीक है, डॉक्टर सुरा मिश्रा बहुत धन्यवाद आपका, जी जी डॉक्टर सुरा मिश्रा जो सही बात कर रहे हैं, ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका, थोड़ा आप भी पेपर्स की भूमिका निभाइए, प्रवक्ता कांग्रेस डॉक्टर सुरा मिश्रा। सुधा जी, आप लोग भी लगातार यहाँ पर संघर्ष करती रहती है, आपको भी याद होगा दिल्ली में सरकार प्याज पर आई थी, प्याज पर ही चली गई थी, और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि चुनावी मौसम है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मिजोरम, तेलंगाना, सब जगह रैलियाँ हो रही हैं, पर हम देख रहे हैं कि चर्चाएँ हो रही हैं, ज्वाइनिंग हो रही है, पर कोई भी पार्टी विपक्ष की, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तमाम पार्टियां हैं, कुछ सड़क पर नहीं आ रही है, जनता यहां पर परेशान है महंगाई से, तो क्या समय देखकर यहां प्रदर्शन करेगी? बड़ी बड़ी इकाइयां है, कांग्रेस बड़ी पार्टी है और देश पर दस को राज किया है, उत्तर प्रदेश में भी दस को राज किया है, मुझे पता है, आपको भी पता है, पर क्या विवेक शून्य है या दर्द नहीं या सहानुभूति नहीं? वही जनता जनार्दन है जो आपको सत्ता में लेकर आई थी। सुना मिश्रा, जवाब आपको देना है। जी, सबसे पहले मैं प्राइम के दर्शकों को नमस्कार करती हूँ। जी, आज जिनके जन्म दिवस पे हम बाल दिवस मनाते हैं, हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को मैं अपनी श्रद्धांजलि देती हूँ। जी, चूंकि आपने सब्जेक्ट इतना अच्छा लिया है गौरव जी, इसके लिए आपको साधुवाद। और हमारे प्रथम प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी कि एवरीथिंग एल्स कैन वेट बट नॉट एग्रीकल्चर। जो उन्होंने बात कही थी वो जिस वक्त उनको देश मिला था, उनके हाथों में आया था जी, जब प्रधानमंत्री का उन्होंने शपथ लिया था संविधान का जी, उसके पहले 1943 में दुर्भिक्ष छाया था बंगाल में, सबको 50 लाख से ज्यादा लोग भूख से मरे थे जी, हमारे देश के पास जो था हमने 1946 से 1952 तक खाद्यान्न का आयात किया था जी, और लगभग 30 लाख टन का जी, उसके बाद कृषि को फोकस किया गया जी, बीजों से लेके हर चीज, और जो देश उनको मिला था, हाँ बिल्कुल, मैं उस समय देश में लोगों को, क्योंकि जब एक वृद्धा ने जवाहरलाल नेहरू जी से प्रश्न किया था जी, कि आखिर हमें स्वतंत्रता मिल प्राप्त करके मिला क्या जी, उसने नेहरू जी की कॉलर पकड़ ली थी जी, उन्होंने हंसते हुए कहा था कि माँ इस स्वतंत्रता में हमें ये अधिकार मिला है कि एक वृद्धा आके प्रधानमंत्री के कॉलर पकड़ के प्रश्न पूछ सके, ये हमें अधिकार मिला है। एक्चुअल में हुआ क्या कि हम जब आगे बढ़ते रहे, विश्व गुरु और न जाने किन किन तमगों से हम अपने आप को नवाजने लगे, अच्छा अच्छा, हम जनता से अपने आप को दूर होने लगे, अच्छा, हमने संवेदनाओं की तिलांजलि दे दी जी, आहूति दे दी, और हम बड़े बड़े बातों पे आ गए जी, और दिक्कत क्या हुई कि जहां पे लोगों को उन्मादी बनाकर ये कहा गया कि हम 1500 का पेट्रोल भरा लेंगे, 1500 का डीजल भरा लेंगे, 2000-5000 का हम गैस सिलेंडर ले लेंगे, लेकिन आना चाहिए मोदी, अच्छा, ये जो अनुमान था लोगों के बीच में, जो धर्म के नाम पे दिया गया, अभी आपने कहा कि दीपदान से आपको एतराज है, आपने किसी की बात पे कहा जी, मैं आपसे बताना चाहूंगी जिसके आने की खुशियों में अयोध्या के हर घर में, क्या बात, हर घर में दीप भी जलाए गए थे, हर घर में जलाए गए थे, आप जानते हैं इस मतलब उसका प्रतीक क्या है कि हर व्यक्ति घी के दिए जलाने लायक बनाया गया था, बनाया गया था जी, वहां पे इस तरह का कुछ दिखावा नहीं किया गया था, अच्छा, कि दिखावा किया है लोग निकले, अच्छा, मैं बता, मुझे बोलने दीजिएगा प्लीज, बोले बोले, राम राजमहल के लोग चाहते तो पूरे अयोध्या को दिए से भर देते, राजमहल ने नहीं भरा, लोगों को इतना संपन्न बनाया जी, लोगों के पेट की आग को बुझा के उनको इतनी संपन्नता दी कि वो उसके आगे सोच पाए, अच्छा। सबने घी के दिए जलाए थे जी। घी संपन्नता नहीं, आपके कृषि को, आपके दूध दही सबके आगे होने का प्रमाण है,
कि घी के दिए जलाए गए। हम सब कुछ भूल के बहुत अच्छा लगता है जब 24 लाख दिए जलाते हैं, बहुत विहंगम दृश्य होता है। भी बना है, हाँ। सबको हाँ मैं आ रही हूँ, 24 लाख काउंट पे जाइएगा, 24 की संख्या क्यों लाई गई यहाँ पे। अगर अगर वही तेल मान लीजिए आपने रिकॉर्ड बना दिया, गौरव जी अयोध्या की हूँ मैं, हर बार कहती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है जब हम अपने देश में अपने भक्ति को आगे लाते हैं, लेकिन उसके बाद ना जब गर्भवती महिला तेल मांगती है और पुलिस वाला डपट के भगा देता है, वो जो बच्ची तेल के लिए रोती भी दिखती है और तेल डब्बे में भर रही होती है, वो आपके देश की चेहरे हैं, आपके देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसी विदेश में, उसी विश्व में जिसके नाम पे आप रिकॉर्ड बना रहे हैं जी। तो क्या हमें अच्छा लगता होगा क्या? धर्म हमें उन्मादी नहीं बनाता, धर्म हमें स्वार्थी नहीं बनाता, हमारे राजा हमको विनम्र बनाते हैं, क्रोधी नहीं। ठीक है, तो ये जो देश में हमने संपन्नता को आगे बढ़ाने के कार्य शुरू किए गए थे, हमने क्या शुरू किया? नेहरू जी से प्रश्न पूछते हैं, नेहरू जी ने कभी रोना नहीं रोया कि देश किस रूप में मुझे मिला है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेज मुझे गाली करते थे, उन्होंने कभी नहीं कहा कि अंग्रेजों ने मुझे अपराधी बनाया था, कभी नहीं बोला। देश जिस हालत में मिला उन्होंने कहा कि हम यहाँ से आगे बढ़ेंगे। और आज हम क्या कर रहे हैं? हम प्रश्न खड़ा करते हैं पूर्वजों पे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने समय का सबसे बेहतरीन कार्य करता है। लेकिन आज मैं 100 गाली खाता हूँ, 1.5 किलो खाता हूँ, 4 किलो खाता हूँ। अरे क्यों खाते हो? अच्छे काम करो, ठीक, क्यों गाली खाते हो? गाली कौन खाता है? गौरव जी मैं आपको गाली दे रही हूँ जी? नहीं दे रही हूँ ना जी? क्यों? क्योंकि आप तटस्थ है जी, क्योंकि आप दोनों बात कर रहे हैं। जिस दिन आप एक तरफ हो जाएंगे गाली आपको ही मिलेगी। चले ठीक, तो गाली किसको मिलती है? जो झूठ बोलेगा, जो असत्य का साथ देगा। चले ठीक है, सुना जी मेरा सवाल लीजिए, सवाल ले फिर समझ लो लेना है, मुझे एक मिनट आपके पास है, सवाल ले ले फिर समझ को लेता हूँ, जवाब उन्हीं को देना है। सुना जी आपने यहाँ पर बात कही, दर्द बताया, तेल का दर्द बताया, गर्भवती महिला का दर्द बताया, इतना दर्द है उसके बावजूद भी कांग्रेस शांत है, वो पार्टी जिसको आपने तमाम यहाँ तक की उसकी बड़ाई की चीजें बताई, सबको पता है, जानकारी है, पर कांग्रेस शांत है, रैलियां कर रही है, जनता का दर्द नहीं है, केवल ट्वीट पर दर्द हो रहा है और दर्द यहाँ पर डिबेट में दिखाई दे रहा है जी। बस मैं आ रही हूँ, जल्दी बोल लीजिए। हाँ। मैं कभी भी, हाँ मैं आ रही हूँ, जो आप दर्द का एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है गौरव जी ना, डरा के पुलिस के बल पे इको गार्डन में दिन भर बंद कर देने वाली सरकार, अगर हिम्मत है सरकार में प्रदर्शन करने दे, जनता का हमारी बात जाने दे। क्यों? जितने हम प्रदर्शन में आते हैं उतनी टुकड़ियां पुलिस की आती हैं आपको इको गार्डन में 5 बजे तक का इंतजार करने के लिए, कैसे कोई प्रदर्शन करेगा? कभी प्रश्न पूछा आपने लोगों से कैसे कोई प्रश्न करेगा? ये कहा अभी गार्डन लड़कियां है ना, देखा आपने 112 की, हम आपकी सुरक्षा में तत्पर, बेचारी उनकी सुरक्षा में कोई तत्पर नहीं हो रहा है। और ये सरकार, और कब ये बना था आप जानते हैं ना, जो ये सुरक्षात्मक रूप से लड़कियों की भर्ती की गई थी कब? जब वो कांड हुआ था दिल्ली में, उसके बाद केंद्र सरकार ने, चलिए उसके बाद हर राज्य में इसके बनाने की बात की थी, उन लड़कियों को एक गार्डन में बंद कर दिया गया। चलिए ठीक हो गया, और लोग बात करते हैं प्रदर्शन नहीं करते हैं, प्रदर्शन करने देते नहीं है लोग, ठीक है। सरकार हर जगह रोकती है, नहीं पूछ के नहीं। अरे कैसी बात करते गौरव जी, आप मेरा घर में ताला लगा दीजिए और आप मुझसे पूछे मैं घर से बाहर। अरे ताला लगाने की स्थिति नहीं है, मैं तो चाहता हूँ ताला लगाने की स्थिति है, हम तो दिखाएंगे आपको, आप निकलिए ताला लगवाइए, मैं वो भी दिखाऊंगा जी। गार्डन कैसी बात कर रहे हैं, हम लोग दिन भर वही दो दिन से मैंने दिखाया है, अगर आप लोग कहिए तो पेनल्टी भी दिखाया है भाई। हाँ नहीं मैं आपको नहीं कह रही हूँ, आप जाइए तो एक बार, हम दिखाने तैयार हैं। अरे कैसे नहीं दिखाते, कैसे नहीं आते हम लोग? अरे आप कहिए तो दिखाई भी नहीं है। सुधा जी अगर आप गई हैं, आपने संघर्ष किया है तो नजर आया है, जनता देखी है, तैयार 112 की लड़कियां देखी है, हम भी देखे जी। सुनिए सुनिए गौरव जी, सुनिए बस एक बात कहूंगी, जल्दी बोलिए। अगर प्रदर्शन का मतलब यही है तो आप जानते हैं कि कांग्रेस ने कभी भी प्रदर्शन करने वाले लोगों को जेल में नहीं ठूसा है। चलिए ठीक है, प्रदर्शन करने दिया है, जनता से जुड़ा होता है। चलिए समझी को लेता हूँ, समझी भाई, समाज से भी सुना, कांग्रेस सुना, सपा सुना, आप सुना, आमिर भाई बाद में बात करेंगे, पर जवाब आपको देना है, आप चुनाव में बिजी जा रहा है या आपको नजर नहीं आ रहा है? अब प्याज की बात करें, अदरक की बात कर लो तो 8 महीने से दाम 200 टिके हुए हैं, आप भी खाते होंगे, कहीं ऊपर 10-20 रुपए का अंतर जरूर होगा, पर ऐसा नहीं है कि कहीं 20 रुपए पाव मिल रहा हो, जानकारी आपको भी, मैं सीधी भाषा में आपसे बात कर रहा हूँ। विवेक शर्मा ने तमाम आरोप लगाए कि आप नियंत्रण करना नहीं चाहते हैं, बिचौलिए सिस्टम चला रहा है, सिंडिकेट चल रहा है, बाकायदा विवेक शर्मा ने खुले मंच पे कहा है सिंडिकेट चल रहा है यहाँ पर सब्जियों को लेकर। नितिन भाई भी पूरी तरह बोले कि अगर सरकार चाहे तो व्यवस्थाओं को सुधार सकती है, क्यों दिक्कत है भाई, देख लीजिए जनता आप ही की है,
विपक्ष प्रदर्शन करता है आप जेल में डाल लेते हो, रोक लेते हो, क्या करे जनता। चलिए हाथ जोड़ लीजिए आपका और दिवाली भैया दूज जो भी त्योहार अभी आपका गुजरा, सभी की बधाई जी, यहाँ पर आए हुए सभी मेहमानों को जी, और आपको भी बधाई कि आपने जनता से जुड़ा हुआ मुद्दा। मैं तो उठाता रहा तो दर्द तो आपको हुआ होगा इसका। हाँ दर्द तो देखिए किसके हाँ। चेहरे पे दिख रहा है, अभी मैं कुछ बोलूंगा तो कितने लोगों के चेहरे पर से पर्दा उठ जाएगा, आप अभी खुद ही देखिएगा। तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि सोई हुई है, सोई नहीं है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि खुद जाग कर विपक्ष की नींद को हराम किए हुए, क्योंकि विपक्ष मुद्दा जरूर बनाती है लेकिन रोड पर उतरने की हिम्मत, अभी सुधा जी ने बताया, आम आदमी पार्टी ने बताया, सपा ने बताया, असल में देखिए जिसके साथ जनता नहीं जुटी होती ना, अच्छा, उसको डर होता है, उसको ये डर होता है कि जनता तो हमारे साथ है नहीं, हम बिलावज अभी जाएंगे, फंस जाएंगे, जेल चले जाएंगे, लाठियों से पीटे जाएंगे हो सकता हो, और जनता हमारे साथ है नहीं तो हम बिलावज मुद्दा बना के और धरना प्रदर्शन करें, क्या फायदा। देखिए लोकसभा में तो देखिए जीत के जा नहीं सकता, तो वो अपनी पुरानी आदत उसी तरीके से कूद के जाने की 24 में किस तरीके से, नहीं संसद है थोड़ी सी उसकी बाउंड्री ऊंची है, तो अखिलेश यादव वही अभ्यास कर रहे थे कि 2024 में जीतेंगे तो है नहीं, तो हमको कूद कर अगर देखने की मंशा हुई कि संसद कैसी बनी है तो कूद कर जाएंगे, तो उसका अभ्यास कर रहे थे। कांग्रेस पार्टी के पास इसके पहले लल्लू जी थे तो हाँ अजय कुमार लल्लू जी थे, तो प्रदर्शन किया करते थे कम से कम, और ऐसा नहीं कि विपक्ष आपके ऊपर आरोप लगाता है मीडिया के ऊपर कि दिखाया नहीं जाता। लल्लू जी को कैसे दिखाया जा रहा था, क्योंकि वो दिख रहे थे, संघर्ष कर रहे थे। लल्लू तारीफ मत करिए अपने मुद्दे पे, यहाँ नहीं तारीफ नहीं करें, तारीफ क्यों नहीं करें भाई, अगर अच्छा काम वो कर रहे थे, जनता से जुड़े हुए थे तो अच्छा काम कर रहे थे। समाधान कैसे करेंगे, समाधान समाधान, अरे अभी आने तो दीजिए, समाधान तो हमने पहले कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी जागी हुई, आपने कहा था सोई हुई है। समाधान देखिए किया जाता है, लल्लू को पार्टी में शामिल कराने की तैयारी कर रहे हो क्या? देखिए दो आदमी बोले लल्लू पार्टी शामिल कराने की लगता तैयारी कर रहे हो। अभी देखिए अभी दो लोग चुपचाप है, हो सकता है वो भी बोले और भी हो सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए महंगाई एक ऐसी चीज है, ये कृषि उत्पादन के ऊपर होता है कि अगर उपज ज्यादा होती है, उत्पादन ज्यादा होता है और बाहर से आवक ज्यादा होती है तो उसका जो है बैलेंस बना रहता है। ये आपकी सरकार में लगातार क्यों हो रहा है? सुन लीजिए, नहीं हमारी सरकार में 2010 में 2013 में लगातार सरकारों में प्याज का दाम भी आपने देखा था कि 200 के ऊपर हो जाता था, आज प्याज 40 50 और 60 में बिक रहा है। आपने देखा है आपके चैनल के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से फुटकर दुकान पे दिखाया गया कि 52 रुपए और 50 रुपए में प्याज, अरे खरीद के ला रहा भाई, 60 बेच रहा है। तो सुन तो लीजिए आप, फिर से उसको गौर से देखिएगा कि उसने कहा था कि 50 52 60 में बिक रहा है, तो बिक रहा का मतलब यही है कि अगर वो मंडी से ला रहा है तो मंडी में हो सकता है 40 रुपए उसको पड़ रहा हो, अच्छा। हो सकता है किसी को 30 रुपए पड़ रहा हो, तो बिचौलिया पड़ताल देखी नहीं समझी भाई। आप सर सुन तो लीजिए, आप भी भाई खरीद रहा है 60 में बेच रहा है, आप भी विपक्ष की तरह जो है विपक्ष नहीं कर रहा हूं, मैं तो सीधा बोल रहा हूं। सुन लीजिए सर, आप तो मैं रिपीट कर दूं, अभी आप ही बोलते हैं तो कुछ हम लोग को भी बोलने दीजिए ना, फिर तो एक साथ बोल लीजिएगा। तो इस तरीके के देखिए कीमतें बढ़ी हुई जरूर है, त्योहार का मौसम था तो कुछ बिचौलियों ने इस तरीके का काम किया होगा, लेकिन स्वीकार कर लीजिए कृषि, हां क्यों नहीं स्वीकार करेंगे भाई, जो है उसको स्वीकार करेंगे। भारतीय जनता पार्टी तो ऐसा काम अदरक को गिरा दीजिए, अदरक भी गिरा हुआ है, जनता पार्टी ही ऐसी पार्टी है कि सत्ता में रहने के बाद आज जो विपक्ष कम से कम ट्विटर पे, फेसबुक पर और यहाँ वहाँ आवाज उठा रहा है, ये उसी की देन है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने छूट दे रखी है कि आप बोलिए। ये तो सिर्फ इनको बहाना मिलता है कि अरे अभी हम जाएंगे तो NSA लगा देगा, अभी हम जाएंगे तो हमको बंद कर दिया जाएगा इको गार्डन। अरे जो आदमी घर से निकल के इको गार्डन तक न जा पाए वो जनता के लिए रोड पे क्या उतरेगा? जनता यही सब भाषण सुनते सुनते परेशान हो चुकी है, और अब जो है जनता इन लोगों के बहकावे में नहीं आ सकती, क्योंकि जनता को पता है आपके पाले में आ गई तो आप ही कुछ कर दीजिए भाई। नहीं, हम कर रहे हैं, हम लगातार कर रहे हैं। आज अगर एक चीज का मुद्दा आपने बनाया कि अदरक का दाम बढ़ गया, अदरक ही का दाम आपने बताया 8 महीने से बराबर है, हाँ अदरक का ही दाम बताया आपने, तो अदरक के दाम को जो है कंट्रोल किया जाएगा। कृषि मंत्री हमारे सूर्य प्रताप शाही ने दिवाली से पहले इस पर बैठक बुलाई थी, और सभी जो आढ़ती है 8 महीने हो गए हैं, 8 महीने हो गए, मैं बता रहा हूँ ना, दिवाली के पहले इस पर बैठक हो चुकी है और बाकायदा इस पर चर्चा की जा चुकी है, तो यही बताएगा कि देखिए त्योहार का मौसम है, त्योहार के बीच में हो सकता है कि दाम जो है इसको गिराया जाए, पूरी तरीके से मंडी परिषद और पूरी तरीके से जो मंडी यहाँ की लोकल है, आढ़ती है, सबको लेकर विचार विमर्श किया गया है, दाम को कम करने की कोशिश की जा रही है, अगर जरूरत पड़ेगी तो बाहर से जो है बाहर से अदरक और प्याज का आयात किया जाएगा। ऐसा नहीं कि भारतीय जनता पार्टी सोई हुई है, पूरी तरीके से सिस्टम नहीं बनाएंगे आयात कर लेंगे, सिस्टम नहीं बनाएंगे आयात कर लेंगे। सिस्टम जब पैदावार कम हुई है तो सिस्टम, अभी खुद बोल रहे बिचौलिए यहाँ पर खेल कर रहे हैं, बिचौलिए ऐसा थोड़ी है कि खेल कर रहे हैं, खेत में थोड़ी है कि बिचौलिए ने खेल, नितिन भाई सीधे बोले हैं
अरे नितिन भाई बोलेंगे, सुधा मिश्रा जी बोलेंगी और आम आदमी पार्टी बोलेंगे, ये लोग तो बोलने के लिए बैठे हैं ना। अच्छा, समाज सेवी तो नहीं बोलेंगे? अपने तो कार नहीं, हम समाज सेवी नहीं बोलेंगे, समाज सेवी तो जो बात वही बोलेंगे। नहीं, ये बोले विपक्ष तो समाज से विमुख बोलेंगे। ये लोग तो बैठे हुए यहाँ पर बोलने के लिए, इनको हमने आजादी भी दी है बोलने के लिए, तो इनको अगर आजादी दी ना होती तो ये कहाँ बोल पाते। एक बार विवेक शर्मा को बोला गया था विपक्ष के समाज सेवी, उनको एक बार यहाँ पर टैग दिया गया था। विवेक भाई को भी याद है, जवाब दीजिए संदीप भाई। हमारे साहब बोलिएगा मैडम, सुन लीजिए, मौका दूंगा आपको अभी। तो देखिए भारतीय जनता पार्टी, अगर महंगाई है तो इसको स्वीकार करनी है, अगर अगर महंगाई है तो इसको। अभी आपने बताया था ना कि नेहरू जी का गरेबान किसी ने पकड़ लिया था, तो हमने भी आपको आजादी यही दी है कि आप बीच में जो इंटरप्ट कर रही हैं यही आजादी है। आप कौन होते हैं? इतनी आप इतनी आजादी, आजादी आपको है कि आप बोल रही हैं, इतनी आजादी है कि आपका सम्मान किया जा रहा है। क्या देश में तानाशाही है? क्या अभी तानाशाही है? क्या इसका मतलब नहीं है ना? आप मान लिए कि नहीं है, फिर आरोप क्यों लगा रहे हैं? आरोप भी लगा रही और आप कह रहे हैं कि है भी नहीं। दोनों चीज आप खुद ही कह रहे हैं। चले हो गए, चले हो गए, चीज पर आइए ना, चले हो गए, एक चीज पर आइए, एक चीज चले समझी भाई। ये तो कहिए कि बोलने की आजादी संविधान ने दी है भाई, संविधान ने दी, आपने नहीं दी है। बोलने की आजादी संविधान ने दी, आपने बात है भाई, संविधान ने आप बताएंगे भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। चले ठीक है, और अभी आप कह रहे हैं संविधान ने दी। अरे महंगाई के लिए जिम्मेदार आप ही हो भाई, संविधान में बोल रहे हैं पार्टी, संविधान में लिखा है क्या कि संविधान का पालन कर रही पार्टी, यही मान लीजिए। चलिए ठीक है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा सा नोटिस भेजा है तो विपक्ष जो लड्डू बांट रहा है। चलिए, और यही जो सुप्रीम कोर्ट अगर इनको फंसाता है, इनके ऊपर से भी सुप्रीम कोर्ट लगातार कई वर्षों से आप प्रश्न ही पूछ रहे हैं। लूंगा मैं आमिर साहब ही बोलेंगे, ठीक है, फिर मैं बापा की मेहमान को लेता हूँ। आमिर भाई थोड़ा आप भी बता दीजिए, सबसे भाई नाराज है हमारे। गौरव जी साधुवाद आपको और आपके चैनल को कि आप हमेशा जनहित के मुद्दे उठाते रहते हैं, उठाया करते हैं। देखिए, एक अदरक और प्याज की बात नहीं हो रही जी। अदरक और प्याज पे मेरे ख्याल से सभी जितने पैनल बैठे सभी बोले हैं। गौरव जी मार्केट में जाइए और देखिए, लहसुन 60 रुपए का पावर बिक रहा है, 240 रुपए किलो लहसुन है। मिर्च हरी अभी 15-20 दिन पहले 200 रुपए किलो थी। हाँ, आयात क्या, देखिए गौरव जी एक बात समझिए, अभी ये बात तो लगभग सभी पैनलिस्टों ने और इवन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने भी स्वीकार कर लिया है कि जमाखोरी। देखिए एक बात, थोड़ा सा भारतीय जनता पार्टी की नीत समझिए। भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी है वो है बनियों की, लीजिए, और बनियों का मतलब जमाखोरी, लीजिए, और जमाखोरी मतलब आपने अभी 98 का जिक्र किया था, आपको याद होगा 99 में चुनाव हो रहा था, मैं कैंपेन में गया था फैजाबाद, तो वहाँ बजाय प्याज के सेब आया था, बहुत एक किला सेब 60 रुपए किलो बिक रहा था और प्याज 110 थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की हमेशा करा है कि अगर बहुत खराब बात ना हो जाए तो ये कह दूं कि नमक हरामी की इंतहा ये तक थी कि नमक 110 रुपए किलो बिक गया था भारतीय जनता पार्टी सरकार में। गौरव ये समझ लिए, तो भाजपा की जो नींव है वो है बनियों के ऊपर, और बनियों का मतलब जाहिर सी बात है जमाखोरी करेंगे, जब जमाखोरी करेंगे तभी सरकार को बड़ी थैली में चंदा देंगे, बड़ी थैली के हिसाब से चंदा भी देंगे। गौरव जी बात ये नहीं है, बात आप बार बार एक बात आती निकल के विपक्ष की, अक्सर बेशतर आप अपने चैनल पे आपका भी दर्द उभरता है एक विपक्ष को लेकर। देखिए जब जब संघर्ष होगा तब तब परिवर्तन होगा। क्या बात, अगर संघर्ष ना हुआ होता गौरव जी तो आज भी देश अंग्रेजों का गुलाम होता। उस टाइम संघर्ष हुआ तो जो आम आदमी पार्टी ने कहा था कि वो एनएसए लगा देते हैं, वो जेल में भेज देते हैं। गौरव जी इसी का तो मतलब संघर्ष है, अगर एनएसए ना लगाएं, जेल ना भेजें तो संघर्ष का क्या मतलब। मुझे मैंने एक वाकया पढ़ा था, मौलाना हसन मोहानी का मुझे याद आ गया कि अंग्रेज लोग घसीट के जाते थे तो गांधी जी और मौलाना हसन मोहानी जब जीप में अंग्रेजों की बैठे तो आपस में उन्होंने एक दूसरे से मतलब बातचीत की तो गांधी ने बहुत अफसोस जाहिर किया कि मौलाना आप, मुझे बहुत अफसोस होता है कि आपको अंग्रेज लोग घसीटते हुए ले जाते हैं। तो उनका जो जुमला था वो सुनिएगा गौरव जी, बहुत बहुत सोचने मतलब समझने योग्य है और सुनने योग्य जुमला है। उन्होंने कहा था कि ये भी कोई आंदोलन है गांधी जी, जो मतलब हम जाके खुद गाड़ी में बैठ जाएं, यही आंदोलन है गौरव जी, यही संघर्ष है कि मुझे गरेबान पकड़ के पुलिस और गाड़ी में बिठाए। लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता है कि ये सब होता है और होता रहा है, अंग्रेजों ने भी ये सब किया है। लेकिन अगर हम ये कह करके घर बैठ जाएंगे कि हम पे एनएसए लग जाएगा या हम पे डर जाएंगे तो डर का मतलब कोई नहीं, खौफ ज्यादा हर सरकार करती है, ऐसा नहीं खौफ ज्यादा नहीं किया जाता है। आज भाजपा को छोड़ दीजिए, इससे पहले तमाम सरकारें, में किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता, तमाम सरकारें खौफ ज्यादा करती, लेकिन कभी संघर्ष नहीं रुकता है। और जो संघर्ष करता है गौरव जी वही पाता है, वही आगे बढ़ता है। अगर देश की आजादी के लिए संघर्ष ना हुआ होता तो यकीनन आज भी हम गुलाम होते, हमारे पुरखे आजादी दे गए, आजादी यूं ही नहीं मिली थी, उन्होंने कुर्बानियां दी थी, जाने गंवाई थी, खाली एनएसए और लाठियां नहीं खाई थी, एनएसए नहीं लगा था,
काले पानी छोड़ दिए, फांसी पर लटकाए गए थे, वो कुर्बानियां दी थी, तब आज देश मुझे आजाद मिला है। और जो बोलने की बात करी है तो कोई बोलने पर प्रतिबंध नहीं लगा सकता है, ये मुझे वास्तव में संविधान ने अधिकार दिया है और ये मेरा मौलिक अधिकार है। बोलना भी, संघर्ष करना भी, आंदोलन करना भी, प्रदर्शन करना भी, ये मेरा मौलिक अधिकार है। किसी की दी हुई भीख नहीं है, किसी की दी हुई भीख नहीं है कि जो मुझे किसी ने भीख में दी हो। महंगाई हरी मिर्च को मैं बता दूंगा आपको, अभी 15-20 दिन पहले 50 रुपए की 250 ग्राम हरी मिर्च थी, 200 रुपए किलो हरी मिर्च थी। लहसुन 60 रुपए का पाव भर है, अदरक 50 से 60 रुपए पाव है, और प्याज 60 रुपए। तो ये बहुत सड़ी हुई प्याज मार्केट में मिल रही है गौरव जी, जिसका छिलका उतरा हुआ गंध आ रही है। सही प्याज 70-80 रुपए है गौरव जी, सच बात ये है। और तमाम सब्जियों का रेट, तमाम कारण यही है, जमाखोरी। और जमाखोरी चुनाव, अभी देखिए एक बात आप बार बार निकल के आती है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव नहीं है गौरव जी, राजस्थान और मध्य प्रदेश में ऐलान किया जा रहा है 550-600 रुपए का सिलेंडर देंगे, क्योंकि देश की जनता उत्तर प्रदेश में नहीं रहती। क्या बात है, उत्तर प्रदेश में कहां जनता नहीं है, जानवर रहते हैं क्या जो आप सिलेंडर यहाँ 600 रुपए 550 रुपए नहीं दे पा रहे हैं? इसका मतलब ये आप जुमलेबाजी कर रहे हैं मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, अन्य प्रदेशों में। अगर आपको ईमानदारी से धरातल पे महंगाई कम करनी है गौरव जी, तो आप उत्तर प्रदेश में भी 650 रुपए का सिलेंडर दिए तब तो बात अच्छी बात है, और पूरे देश में करिए। और दूसरी बात राशन की, एक बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग राशन पे आ जाते हैं कि राशन, गौरव जी एक आप इसका एनालिसिस कर लीजिए, आप चूंकि बड़े चैनल के मालिक हैं, बैठते हैं, आप जाइए पत्रकारों को भेजिए और देखिए कि जिस राशन दुकान पर राशन मिल रहा है, अगर 5 यूनिट है 3 यूनिट का राशन मिल रहा है, 7 है 4 का मिल रहा है, पूरा राशन भी नहीं मिल रहा है गौरव जी, ये तो खा। और फिर राशन में भी आ जाइए तो सिर्फ गेहूं से किसका पेट भर रहा है गौरव जी, बताइए आप रोजगार दीजिए। महंगाई, चलिए महंगाई की भी हम मार झेल लेगी, जनता झेल रही हो झेल लेगी, लेकिन आप रोजगार तो दीजिए गौरव जी। रोजगार है नहीं, रियल इस्टेट खराब हो चुका है, सारा बंद हो चुका है, आप किसकी बात कर रहे हैं? आप निकल जाइए सड़कों में, तमाम चैन स्कैनिंग हो रही है, बाइकें चोरी होने क्यों हो रही है, नहीं क्यों चोरी हो रही है, बड़ा सवाल गौरव जी है। पढ़ा लिखा नौजवान जो ग्रेजुएट है, जो बीकॉम किए हुए बीएससी कर रहे हैं, जब वो पकड़ा जाता है बाइक चोरी में, तब जब उसका खंगाला जाता है तो मालूम होता है कोई बीकॉम है, कोई बीएससी है, कोई ग्रेजुएशन किए हुए, वो ये सब क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है ना कि बेरोजगारी है गौरव जी, रोजगार नहीं है, और ये रोजगार ये सरकार दे नहीं पा रही है। और विकास की बात सिर्फ हवा हवाई है, अभी आप देखिए चंद रोड बने सड़कों पर गौरव जी, अगर एक ही बारिश में नाव खड़ जाए तब मुझसे कहिएगा। और तमाम एक चौक से लेके हैदरगंज तक का ब्रिज बना है गौरव जी, अभी आधा घंटा बारिश हुई थी 3 दिन पहले, आज तक टपक रहा है, आज 4 दिनों के बारिश हुई गौरव जी। ये हमारा विकास है, ये हमारी महंगाई के ऊपर काम हो रहा है। ताकि भाई आप फोटो मत दिखाइए, मैं प्रवक्ता कांग्रेस के लूंगा, फिर आपके बात होगा, फोटो नजर नहीं आती डिबेट में, कभी इसका पोस्टर लगवा रही है, मैं देख लूंगा, मैं सुना मिश्रा करूंगा, फिर आपको लूंगा जी। सुना जी कुछ बोलना चाह रही थी आप, सुना मिश्रा? हाँ, अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि आंदोलन करना ही अंग्रेजों से हमें स्वतंत्रता प्राप्ति हो पाई, तो क्या इस समय सरकार के लोग अंग्रेज है मान लिया जाए? वो देश के लोग नहीं है, मतलब इस देश की जनता से चुनी हुई सरकार नहीं है। अगर हम वहीं पे कंपेरिजन कर दें कि तब हमारी लड़ाई ऐसे लोगों से थी जिसमें हमारे क्रांतिकारियों को भी अपराधी माना था उन अंग्रेजों ने, तो क्या ये जनता के द्वारा चुनी हुई लोकतंत्र की सरकार नहीं है? सुधा जी, और सुधा जी, मैं देखिए एक मिनट बात समझिए, आप बहुत अच्छी बात कह रही हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, आप उससे कम भी ना किए इस सरकार को। अरे आप सड़क पर निकल के आइए, आप आंदोलन कर रहे हैं, देखिए ये आप देखिए, ये आप देखिए, ये इल्जाम छोड़ दीजिए। सुधा जी, ये अंग्रेजों की सरकार तो नहीं, लेकिन अंग्रेजों के मजदूरों की सरकार है, महंगाई के खिलाफ लखनऊ के अंग्रेजों के मजदूरों की सरकार है, उन्हीं के फॉलोअर है। नीलम यादव जो हमारे अध्यक्ष हो गया, अरे मैं पता है लगाता है, अरे मुझे पता है भाई कितना संघर्ष, और भी महंगाई के खिलाफ चले हो गया। और बीजेपी ने तो आज बाल दिवस है, बच्चों तक को, अरे तकी भाई आप बीजेपी बच्चों के खिलौने, आप ऐसे कर रहे हैं, मैं दोबारा बोल रहा हूं, जो बच्चों की कार डिबेट खराब कर दिया, शायद मोहम्मद तक डिबेट खराब कर दिया, बच्चों तक को हो गया, तकी भाई हो गया। चलिए सुना भी अपने बात पूरी करिए, समय वर्क में बोलिए जी। मैं जो आपने महंगाई को लेके बात की है, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि इस देश में गरीब ज्यादा नहीं है, आप जानते हैं गरीबों का हक खाने वाले इतने ज्यादा हो गए हैं इस वक्त, अच्छा, कि गरीबी नजरों की किसी को दिखाई नहीं पड़ रही है। क्या बात? दिक्कत इस बात की भी आपने कहा ना, गरीबी खत्म करने की कोशिश अगर चल रही होती तो हमारे देश के पिछले प्रधानमंत्रियों ने, हाँ, पार्टी विशेष की बात नहीं कर रही हूँ, इस देश के प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुआ हर व्यक्ति इस देश का विकास चाहता था, हर व्यक्ति ने, हर प्रधानमंत्री ने इस देश के लिए वही किया
जो इस देश के लिए अच्छा था, लेकिन पिछले 9 सालों में अपने पूर्वजों को गाली देने वाला मैंने एक प्रधानमंत्री देखा है जो प्रश्न उनसे करता है, अपना काम निकालता है। यहाँ पे दिक्कत है कि गरीबों का हक, अगर तोमर जी के नाम पे कोई चीज हुई थी, जांच हो रही है क्या, ईडी गई है क्या, तथा कथित वीडियो मान लेती हूँ मैं, चलिए कथित रूप से मान लेती हूँ, लेकिन ईडी गई क्या? दूसरों को जेल बंद कराते हैं, हास्यास्पद, आप मजाक बना रहे हैं, ये बोलेंगे वो बोलेंगे, अरे बोलेंगे तब जब आप कुछ करेंगे, आप वही कर रहे हैं इसलिए बोले जा रहे हैं। नितिन भाई अच्छा काम करिए, लोग कहेंगे अच्छा काम कर रहे हैं। ठीक है नितिन भाई को लेता हूँ, नितिन भाई कुछ बोला जा रहा था आप, हमने कहा अभी जो भाजपा के प्रवक्ता कह रहे थे कि हमने आपको बोलने की आजादी दी है, ठीक ये अंग्रेजों के दौर में नहीं थी, अरे मैं कह रहा हूँ कि ये बोलने की आजादी तो खैर संविधान ने दी है, लेकिन इनका बस चले तो ये आजादी भी छीन ले, क्योंकि अंग्रेजों के 100% ये मुखबिर और उन्हीं के फॉलोअर है। इस देश की आजादी की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता का कोई योगदान हो तो जरा बता दे शमशी भाई, कोई दो चार नाम ले ले कि ये भारतीय जनता पार्टी देश की आजादी में इनका यह रोल था। और रही बात अभी इन्होंने कहा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जेपी एनआईसी की बाउंड्री कूदी थी और वो पार्लियामेंट में बाउंड्री कूद करके जाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, ये कूद करके और भाग करके जाने की प्रैक्टिस भारतीय जनता पार्टी के लोगों को करनी पड़ेगी। हम तो बाउंड्री फांद के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का गला पकड़ने की हैसियत रखते हैं, हम फांद के बाउंड्री में जाके प्रधानमंत्री का भी गला पकड़ेंगे, मुख्यमंत्री का भी गला पकड़ेंगे जनहित के लिए, इसलिए जनहित के लिए हम लोग संघर्ष करना जानते हैं, हमारा अधिकार था, हमें प्रतिमा में अगर माला पहनाने के लिए बाउंड्री फांद सकते हैं तो जनता के लिए हम कुछ भी और किसी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार को मैं एक चेतावनी थी हमारी, चूंकि मुझे किसी कार्यक्रम में जाना इसलिए मुझे छोड़ना पड़ेगा। धन्यवाद, आपने बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर डिबेट की, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार गुमराह कर रहे हैं, एक भी बार इतनी लंबी चौड़ी बात पे महंगाई की कोई बात नहीं की, कंट्रोल करने की बात नहीं की, मुद्दों को कैसे घुमाया जाए, कैसे इन्होंने डाइवर्ट करने की बात की, ये बात देखिए। धन्यवाद, जनता आपके साथ नहीं, डिबेट आप छोड़ के भाग रहे, जनता आपको छोड़ के भाग चुकी है, 12 से लगातार जो आप चुनाव हारते चले जा रहे हैं इसी वजह से हारते चले जा रहे हैं, आज तक जनता के साथ आपने उतरने की कोशिश ही नहीं की, कूदना फांदना यही सब आपको पास रह गया है, कभी जनता आपको जो है माफ नहीं कर पा रही है, 12 की गलती के बाद जनता दोबारा वो गलती करना नहीं चाहती है। ठीक है, चले गए चले गए हैं, मैं सहमत तक ही करूंगा, फिर विवेक शर्मा की बात लूंगा। देखिए आम आदमी पार्टी संघर्षों से निकली पार्टी, आंदोलन अभी आप क्या ऐसे डर लगता है एनएसएस से? डर क्या लगता है? मैंने कब डर लगता है भाई? आपने बोला एनएसएस लगा देते हैं, तुमने डर लेने की बात कही थी भाई। आज की डेट में किस पार्टी के लोग ज्यादा जेल के अंदर है तो बीजेपी खराब बोल रहे हैं? अच्छा तकी भाई कफील है, मैं डॉक्टर कफील के ऊपर ऐसे लगा दिया गया, वो कफील जो बच्चों को ऑक्सीजन पहुंचा रहा था उसके लिए काम कर रहा था, बीजेपी आम आदमी पार्टी का था वो, जनता नहीं, नहीं, जिसका भी था। आज की डेट में अगर आपने कुछ कहा और बीजेपी को लगता है बोलने का अधिकार छीन लेंगे, बोलने का अधिकार छीन चुके हैं, ये उन्हीं को बोलने देना चाहते हैं जो इनके इनकी महिमा मंडल करे। अच्छा, और कोई व्यक्ति बोलता है किसी पार्टी के अंदर, आप देखिए उठा के इनके लोगों के खिलाफ पार्टी का कोई नेता गिरफ्तार होगा, बीजेपी आपके आंदोलन पे उंगली उठाई है, बच्चों को सुना जी आपके आंदोलन पे उंगली उठाई है, हो गया 30 सेकंड बोलिए, 14% आपके आंदोलन पे उंगली उठाई है। समझी ने कहा है कि आप सोनिया और राहुल गांधी के लिए आंदोलन करते सत्याग्रह जब बुलाए गए थे राहुल गांधी और सोनिया गांधी, सत्याग्रह किया था हुआ था, महंगाई के लिए नहीं करते है ना, महंगाई के लिए क्यों करेंगे, जनता से क्या मतलब, तो ये करें तभी आप जाएंगे क्या? इनकी नेता उसको चुनावी पर्ची भी कहा जाता है, उत्तर प्रदेश में चुनाव था तो फौरन आ गई थी, करोड़ रूपए खर्चा किए गए, ये कहा गया चुनाव हो रहा है वहाँ पर भी जहाँ पर सरकार है वहाँ पर भी इनको ऐलान करना चाहिए, लेकिन होता ये कि जब ये फ्लॉप हुए जब ये हार गए उसके बाद फिर बना रहे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है,
कि सब हंसे हाँ, वो हंसा जकरे 72 छेद अच्छा, है ना हाँ, चलनी और सूप वाली बात है अच्छा, तो आप समझ लीजिए हमें कहने की जरूरत नहीं है हाँ, तानाशाही और राजतंत्र से चलने वाली पार्टी हाँ, जहाँ पे चुनावी कोई चीज ही नहीं है अच्छा, कब कौन बदल जाएगा गुजरात में, कब उत्तराखंड में अच्छा, अध्यक्ष कैसे बन जाएंगे वो दूसरों पे सवाल खड़ा करते हैं अच्छा, तो मुझे इनके सवालों का जवाब देने की कतई जरूरत नहीं है क्योंकि जनता जानती है इनके झूठ को, छद्म को, इनके उन्मादी विचारों को, हमें इनको जवाब देने की, हम जनता को जवाब देंगे। बिल्कुल ऐसे लोग हैं जो इस समाज को, जो समाज को बांटने का भरसक प्रयास कर रहे हैं लेकिन ये भूल जाते हैं कि शिक्षा जो औजार है हमारे समझदारी का वो जनता में आ चुकी है, जिसकी नींव स्वतंत्रता प्राप्त से पड़ चुकी है। आप लोग उन्मादी बना सकते हैं हाँ, लेकिन ज्ञान और मस्तिष्क छीन नहीं सकते हैं। करिए आप हाँ, राजतंत्र चलाइए, अपने लोकतंत्र का हर्ष करिए, लेकिन संविधान की शक्ति हमारे पास है। ये जो प्रश्न खड़ा करते हैं पहले खुद के किरवर में जाके कि आप क्या मोदी और शाह के अलावा कौन है जिसकी आप लोग चरण वंदना करते हैं। ठीक है, विवेक शर्मा को, विवेक भाई आपने शमसी भाई की बात को सुना, बिचौली वाली बात तो स्वीकार कर ली, पर समाधान मिला क्या आपको? डिबेट समाधान मांगती है, समाधान अभी भी सामने नहीं है। नहीं गौरव जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहना चाहूंगा, जैसे एसटीएफ की छापेमारी चल रही है, विजिलेंस की छापेमारी चल रही है, एंटी करप्शन की छापेमारी चल रही है, ईडी की चल रही है, सीबीआई की चल रही है, वैसे ही जमाखोरों पर भी छापेमारी होनी चाहिए। ये जमाखोरी समाप्त करने का काम सरकार का है, हम और आप बता सकते हैं और सरकार को पता है, लेकिन पता नहीं क्या कारण है, ऐसी क्या मंशा है कि ये पलीता लगा रहे हैं, मजबूरी है इन पर भी। बनियों की सरकार, किसने कहा था, आपने सुना था, बनियों की सरकार, बनियों सरकार, ऐसा मत बोलिए भाई। देखिए ये सुधा जी, मैं कोई राजनीतिक नहीं हूँ, लेकिन वैसे विपक्षी समाज से भी जरूर कहलाता हूँ, शमसी भाई ने नाम दिया था। अच्छा, टैग मिला आपको, शमसी भाई दिए थे नहीं, दीपावली के उपलक्ष्य में शायद हमको छूट मिल गई, विपक्षी समाज से भी नहीं बोला, लेकिन आपके माध्यम से केवल इतना कहना चाहता हूँ कि देखिए जमाखोरी को समाप्त करने का काम सरकार का है, हम और आप केवल बता सकते हैं, यहाँ पर डिबेट में बहस कर सकते हैं, लेकिन शमसी भाई आपसे विनम्र निवेदन है कि अपने अधिकारियों से कहिए कि बैठकें ना करें, केवल चालू ना करके खर्चा ना बढ़ाएं, इन बिचौलियों को हटाएं। ठीक है, आमिर साहब जी आखिरी सेकंड, इनके माध्यम है उनको हटाएं, आमिर साहब जी आखिरी सेकंड, आमिर भाई जल्दी इसको समीक्षा कर दीजिए। करो जी, बिल्कुल ठीक बात है विवेक शर्मा जी, बात बिल्कुल हम उनकी बात 100% सहमत हैं कि इसकी जिस तरीके से लोगों को अरेस्टिंग होती है, इसी तरीके से अगर जमाखोरों की भी अरेस्टिंग हो जाए तो मैं समझता हूँ बहुत हद तक इस पर लगाम लगाई जा सकती है, शिकंजा कसा जा सकता है और महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक ठीक है, आप सभी का महत्वपूर्ण चर्चा में जुड़ने के बहुत धन्यवाद, चर्चा बड़ी महत्वपूर्ण थी, चर्चा हालांकि बीच बीच में जरूर अन्य मुद्दों पर गई, पर चर्चा को बनाए रखना ही हमारी जिम्मेदारी है और हम खबर नबीज अपनी जिम्मेदारी को पूरा करते हैं। यह विपक्ष की भूमिका पर सवाल उठाए गए, विपक्ष ने अपना जवाब दिया, पर कहीं ना कहीं विपक्ष ने यह भी कहा कि हमको बोलने से रोक दिया जाता है, हमको प्रदर्शन करने से रोक दिया जाता है। तो हमेशा से एक व्यवस्था रही है कि रोकना सरकार की जिम्मेदारी और सरकार रोकती है, पर संघर्ष हमेशा विपक्ष करता आया है और करता रहेगा, वो निभाने की जिम्मेदारी आपको निभानी पड़ेगी। उसके लिए आप NSA से या अन्य व्यवस्थाओं से डरेंगे तो जनता की बात करेगा कौन? हम खबर नबी से हमारी जिम्मेदारी का भी एक दायरा है, पर जनता यहाँ वोट आपको देती है, विपक्ष की महत्वपूर्ण कुर्सी पर आपको बैठाती है। अगर सरकार यहाँ पर सुनवाई नहीं कर रही है तो सुनवाई करने की जिम्मेदारी भी आपकी है, जिम्मेदारी निभाइए और यहाँ पर अपनी भूमिका को निभाइए। सरकार अपनी गतिविधियों को अगर बेहतर करेगी, कुछ छापेमारे भी करेगी, कुछ अभियान भी चलाएगी, तो व्यवस्था भी सुधरेगी और महंगाई भी कंट्रोल में आएगी। सरकार चाहे तो सब कुछ कर सकती है, बस यहाँ पर एक चीज़ की व्यवस्था है, वो है नियत। यहाँ पर जो नियत चुनाव के लिए, जो नियत वोट के लिए और जो नियत सत्ता के लिए दिखाई जाती है, अगर जनता के लिए दिखा दें तो शायद बेहतर परिणाम भी होंगे और बेहतर तरीके से जनता जी भी सकेगी। महंगाई को ख़त्म करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि महंगाई से गरीबों के चूल्हे भी नहीं जलते हैं और व्यवस्थाएँ पनपती हैं और अपराधी बनते हैं, कि बेरोजगारी का जो आलम है वो भी बड़ा है। यहाँ भूमिका सबको निभानी पड़ेगी, विपक्ष को भी, सरकार को भी और हम जैसे खबर नबीसों को भी। सब अपनी भूमिका निभाएंगे तो व्यवस्था भी होगी, परिवर्तन भी होगा और परंपरा जो चल रही है वो भी बदलने का नाम लेगी। तो आज की चर्चा में इतना ही, नमस्कार।